हे गाइस माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊपस ठीक है ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम तो यार जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं काफी ज्यादा और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं तो जावा के अंदर अभी तक हम लिखते आ रहे हैं कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ठीक है अभी हम कीवर्ड्स लिखे जा रहे हैं मैंने आपको कहा था अभी लिखते चलो इनको बाद में सीखेंगे तो वो अब हम सीखने का टाइम आ गया कि हर कीवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे वो क्यों यूज़ हो रहा है तो अब से हम ऊप स्टार्ट करने वाले हैं तो ऊपस के अंदर जितने भी आपके कंसेप्ट होते हैं आपके इनहेरिटेंस पॉलीमोफिजम और एब्स्ट्रैक्शन इनकेप्सुलेशंस और और भी काफ़ी कुछ होगा यार ऊपस के अंदर तो वो हम सब कुछ जानेंगे सारे सारे जो कीवर्ड्स अभी तक हमने छोड़ दिए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो ऊप स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हो गए ये ऊपस है आ, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ये क्या होते हैं तो मेन पिलर्स ऊपस के जो होते हैं वो क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बाद फिर आपके जो चार कंसेप्ट होते हैं उसके अंदर वो होते हैं इनहेरिटेंस वालीमॉफिजम एब्सट्रैक्शन इनकेप्सुलेशन और इनके अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं उन सब के बारे में जानेंगे ठीक है तो आ, स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में तो जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कहा था कि जावा जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है उस टाइम पे मैंने कहा था आपको कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी ईजीली टैकल कर सकती है जैसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज़ को देखोगे वो एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 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 है मतलब मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा हैव सम स्टेट एंड सम बिहेवियर ठीक है तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ स्टेट होगा उसका कुछ बिहेवियर होगा सपोज ये बोर्ड है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, है? है वो वाइट है इसके बॉर्डर्स हैं ठीक है इनका लेंथ क्या है, है? स्टेट हो गया इसका बिहेवियर क्या है इसका राइट इरेज ये इसके बिहेवियर होते हैं ठीक है तो आ, कोई भी चीज़ उठा के देख लो यार ये लैपटॉप ये लैपटॉप उठा लोगे तो उसका ब्रांड इसका स्टेट हो गया ठीक है इसके अंदर कितने मेमोरी uh, कार्ड है कितना रैम है वो सब इसकी स्टेट हो गई और फिर इसके कुछ बिहेवियर होगा कि यू कैन राइट ऑन इट ठीक है और यू कैन डिस्प्ले तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके बिहेवियर होते हैं तो एवरी इन अ रियल वर्ल्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो इसी तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो उनको ऑब्जेक्ट्स बना लिया गया है इससे फ़ायदा क्या होता है यार इससे फायदा ये होता है कि आपका जो कोड होता है ना वो काफ़ी ह्यूमनली रीडेबल हो जाता है मतलब समझने में काफी आसानी होती है कि हाँ क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट्स का डील कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स का डील करोगे ठीक है तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऊप्स काफी फंडामेंटल पार्ट होता है ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट वहां से आया है तो ऑब्जेक्ट्स हैव सम स्टेट एंड सम बिहेवियर ये समझ में आ गया होगा जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर भी जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबका कुछ ना कुछ स्टेट होगा और उनका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा आगे जानेंगे इन सब के बारे में एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास तो अभी क्लास के बारे में बाद में बात करेंगे बट क्लास के जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बना दो आपके पास एक क्लास होती है उसके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो सपोज आपके पास एक क्लास है ये एक क्लास है लेट्स से कैट ठीक है कैट नाम की एक क्लास है अब इसकी आप मल्टीपल कैट्स बना सकते हो तो ये तो आपकी क्लास है और इस क्लास का यूज करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो ठीक है मल्टीपल कैट्स बना सकते हो ये एक एक्चुअल कैट नहीं है यहां पे कोई कैट ही नहीं है जब तक ये क्लास है ये कोई कैट नहीं है बट जैसे इसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे अब वो एक्चुअल कैट होगी ठीक है सपोज ये कैट वन है अब इस कैट और ये कैट टू है कैट थ्री और कैट फोर तो ये जो चारों होंगी ये कैट अलग अलग कैट्स हैं ठीक है अब इस कैट के अंदर हर कैट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है और कुछ बिहेवियर होता है तो लेट्स uh, से इस कैट की प्रॉपर्टी क्या है कि uh, इसके पास फर है कि नहीं है ठीक है और इसका कलर क्या है इसकी ब्रीड क्या है तो ये इस कैट की प्रॉपर्टीज हो होगी ठीक है इसकी स्टेट हो गया कि इसकी ये डेफिनेट स्टेट है तो हर कैट जितने भी आपकी कैट्स होंगी उनका कुछ अलग अलग कलर होगा उनका कुछ अलग होगा ब्रीड होगी ठीक है तो उस तरीके से आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए इन सभी की कुछ ना कुछ स्टेट है तो इस कैट का अपना अलग कलर है इसका सपोज इस ब्राउन है इस कैट का व्हाइट है इस कैट का ब्लैक है तो ये इन सब के बिहेवियर हो गए और सॉरी ये सब इन सब की स्टेट होगी अब इनका बिहेवियर क्या हो गया जैसे कैट दे कैन वॉक राइट दे ईट राइट दे स्लीप दे पर सो दीज आर द बिहेवियर्स तो बिहेवियर्स आप देख लो कि मैंने आ, इनके आगे पैरेंथिस लगा रखा है इसके बारे में बात नहीं देखेंगे कि पैरेंथिस क्यों लगा रखा है इसका मतलब क्या है बट ये जो डेफिनेट चीजें होती हैं जैसे कि फर कलर ब्रीड ये इसकी स्टेट हो गई ठीक है और इसका बिहेवियर क्या है कि ये क्या क्या करेगा ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकती है तो कैट कैन वॉक कैट कैन ईट कैट कैन स्लीप कैट कैन पर सो so, ये चार कैट्स होगी आप इनकी मल्टीपल कैट्स बना सकते हो तो ये जो शुरुआत में जो चीज थी ये कोई एक्चुअल कैट थी नहीं अब मैं बोलूंगा आपके पास एक कैट क्लास है तो आपके पास एक एक्चुअल कैट नहीं है आपके पास एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है बट आप क्या करोगे आप बोल दो कि ये, की ये, की ये कैट है इसकी ये है, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके ये ये बिहेवियर होते हैं तो आप ऐसा करो मैं आपको ये दे रहा आप इससे जितनी मर्जी कैट्स बना लो ठीक है जैसे मशीन होती है ना नोट छापने की मशीन होती है वो नोट छापने की मशीन एक नोट थोड़ी ना होती उसी तरीके से क्लास भी यार एक छापने की मशीन है एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है नोट छापने की मशीन की बहुत वैल्यू होती है <laughs> बट उससे आप जितने मर्जी नोट छाप सकते हो ठीक है और उनकी आपको पता है वैल्यू कितनी है उसी तरीके से कैट जो क्लास होती है उस क्लास की एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं होती ना कोई वो मेमोरी में स्पेस लेती है बट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ठीक है इसकी अपनी प्रॉपर्टी है इसका एक अपना बिहेवियर है और ये मेमोरी में स्पेस लेते हैं तो वही लिखा है एन ऑब्जेक्ट कंटेंस एन एड्रेस ठीक है मेमरी में स्पेस ले रहा है तो कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा ही ना उसका तो उसके जो एड्रेस का जो रेफरेंस है हम वो स्टोर कर लेते हैं एंड टेक सम स्पेस इन मेमरी उसके बाद कुछ मेमरी में स्पेस भी लेता है ठीक है तो मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं अ वाइट बोर्ड अ वाइट बोर्ड तो ये एक ऑब्जेक्ट है ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है तो एक बोर्ड नाम की क्लास होगी उससे आपने एक वाइट बोर्ड बना लिया एक ब्लैक बोर्ड बना लिया ग्रीन बोर्ड आता है ग्रीन बोर्ड बना लिया ठीक है अ ब्लू पेन तो यहां पे क्लास क्या होगी पेन ठीक है पेन आपकी क्लास होगी उससे आपने ब्लू पेन बना लिया रेड पेन बना लिया जेल पेन बना लिया बॉल पॉइंट पेन बना लिया ठीक है तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई इसकी कि कलर uh, क्या है इसका ठीक है इसकी थिकनेस क्या है ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई पेन की उसके बाद इसका बिहेवियर क्या होगा इट कैन राइट ठीक है तो राइट इसका बिहेवियर है कि ये राइट इसे लिख सकते हो आप अल मैक लैपटॉप अ मैक लैपटॉप तो एक मैक लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है बट जो लैपटॉप होता है वो एक क्लास होती है उस लैपटॉप क्लास से आप जितने मर्जी आप लैपटॉप बना सकते हो एक डेल का लैपटॉप बना सकते हो उसका कुछ अलग डायमेंशन होगा उसका कुछ अलग ब्रांड होगा ठीक है उसका भी बिहेवियर वही होगा जो सबके पास होता है उसके पास भी डायमेंशन होगी जो सबके पास होगी बस डायमेंशन अलग अलग होगी ठीक है समझ में आ गया तो आई होप यार आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस जो काफी लोगों को समझ में नहीं आता सब लोग बोलते हैं ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट वहां से समझ में नहीं आ रहा होता काफ़ी बार तो यहां से आई होप समझ में आ जाओ इतने सारे एग्जाम्पल्स लेने के बाद जो क्लास होती है एज अ होल वो बस आपको छापने की मशीन है उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है बट उससे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो ठीक है उनकी वैल्यू होती है तो यार ये तो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए अब क्लास में मूव करते हैं कि क्लास क्या होता है अ क्लास इज अ अ क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट ठीक है तो क्लास आपकी एक ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट होती है जो पहले कह रहा था मैं कि ये छापने की मशीन है जैसे एक ब्लू प्रिंट होता है किसी घर का कि ये आपका ब्लू प्रिंट है ये एक्चुअली घर तो नहीं है ना इसमें आप रह नहीं सकते बस ये ब्लू प्रिंट है कि इस टाइप का आपका कुछ घर दिखरेगा ठीक है या सिर् आपकी इसकी चार दीवारें होंगी इसमें कुछ विंडोज होंगी ठीक है और इसमें कितने रूम्स होंगे ये आपका ब्लू प्रिंट है अब इससे आप जितने मर्जी घर बना लो किसी किसी टाइप के कोई छोटा घर कोई बड़ा घर ठीक है किसी में चार कमरे हैं किसी में दो तो कमरे हैं और सबकी प्रॉपर्टी क्या सबका बेहेवी क्या होगा कि इसमें आप रह सकते हो क्लास इज अ ब्लू प्रिंट क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फोर द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए ब्लू प्रिंट होते हैं क्लास ठीक है इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेमोरी में कोई स्टोर नहीं होती ये एक्चुअल ये कैट जो मैंने यहाँ लिखी है ये कैट एक एक्चुअल कैट नहीं है इट्स अ लॉजिकल एंटिटी ठीक है ये लॉजिकल एंटिटी है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में स्पेस लेते हैं ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है सो क्लास डजेंट कंज्यूम एनी स्पेस तो क्लास स्पेस नहीं लेती बता ही दिया वी कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ क्लास तो हम एक क्लास से जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं एक आपके पास ब्लू है आप अब इससे दस घर बनाओ दस हज़ार घर बनाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पे पेन क्लास लैपटॉप क्लास वही पुराने एग्जाम्पल जो बताए थे आपको तो अब बारी आती है कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कि आप क्लासेज के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो तो ये बताने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि आप एक्चुअली क्लास कैसे बनाते हो तो उसके लिए मूव को जाते हैं एकप्स के अंदर और एक न्यू पैकेज बनाते हैं ऊपस इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं इसका नाम रखा है मैंने मेन क्लास और इसके अंदर एक मेन मेथड डाल देते हैं आप इस क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो मैंने आपको बताया था कि क्लास का जो नाम होता है वो कैमल केस होना चाहिए मैंने पे इस क्लास का नाम मेन क्लास रख दिया तो अभी तक आप जितने भी आपने प्रोग्राम लिखे हैं आपने सबके अंदर एक ना एक क्लास बनाई है ठीक है जावा uh, के अंदर आप काफ़ी सारे प्रोग्राम लिख चुके हो आपको पता नहीं था कि क्लास कैसे काम करते लेकिन अभी तक आप काफ़ी सारी क्लासेस बना चुके हो पहले से ही ठीक है उनके हालाँकि आपने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए बट uh, स्कैनर हमने यूज़ किया काफ़ी बार स्कैनर का आप न्यू करके एस स्कैनर एस सी कॉस्टू न्यू स्कैनर लिखते हो तो वो जो एस होता है वो एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट ही होता है ठीक है न्यू की जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट जनरेट करता है तो हमने क्लासेज़ भी कर लिए ऑब्जेक्ट्स भी कर लिए बस आपको पता नहीं था अब हम उनके अंदर डीप टिक करने वाले हैं कि एक्चुअली होते क्या ये तो ये मेन क्लास है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो एक फ़ाइल होती है जावा के अंदर डॉट जावा वाली जो फाइल होती है उसका जो नाम होता है वो पब्लिक क्लास के इक्वल होना चाहिए ठीक है तो ये जो पब्लिक क्लास मेन क्लास है तो एक फाइल के अंदर एक ही मेन क्लास एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है अब ये पब्लिक प्राइवेट और एक प्रोटेक्टेड भी होता है वो सब क्या होता है उनके बारे में बाद में बात करेंगे बट अभी के लिए इतना जान लो कि कोई भी जावा की फाइल होगी उसके अंदर एक ही मेन क्लास होगी एक ही पब्लिक क्लास होगी एम सॉरी एक ही पब्लिक क्लास होगी और वो जो पब्लिक क्लास होगी उसका नाम आप को फाइल के नाम के इक्वल रखना है बाकी आप उसके अंदर जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो तो मैं एक क्लास बनाता हूँ लद से कैट तो ये कैट क्लास बन गई तो कैट क्लास बनाने के लिए अगर ना आपको क्लास लिखना है क्लास की वर्ड ये क्लास की वर्ड उसके बाद कैमल कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको उस क्लास का नाम देना है तो ये क्लास हो गई आपकी कैट देख रहे हो ऐसे ही मैं चाहूँ तो एक डॉग की क्लास बना सकता हूँ तो एक डॉग की क्लास हो गई है तो आप जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो लेकिन आपकी पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही होगी अगर मैं इस क्लास को पब्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ रहा है क्या कह रहा है द पब्लिक टाइप डॉग मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल ये कह रहा है कि अगर डॉग को आपको पब्लिक बनाना है तो उसको अपनी एक सेपरेट फाइल में रखो यहाँ मत रखो तो हम बोलते हैं भाई ठीक है इसको पब्लिक नहीं बनाते हैं पब्लिक आपकी सिर्फ मेन क्लास रहेगी ठीक है सिर्फ मेन क्लास पब्लिक होगी ओके तो ये तो हो गई क्लास अब मैंने आपको कहा था कि क्लास के अंदर आप एक स्टेट डाल सकते हो ये क्लास है ये कैट क्लास है इसके अंदर फर कलर ब्रीड ये इसकी स्टेट है और वॉक ईट स्लीप पर ये सारी एक सारी इसकी बिहेवियर्स हैं तो कैट के अंदर भी आप सेम वही कर सकते हो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो कि इसकी स्टेट क्या है और उसका बिहेवियर क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल कैट्स बना सकते हो तो आ, इसके अंदर मैं जैसे कि सबसे पहले क्या है कलर ब्रीड और फर सो so, uh, पहले बुलियन बना लेते हैज फर कि इसके पास फर है कि नहीं है ठीक है कुछ होती है ना कैट्स जिनके ऊपर फ़र नहीं होता तो इस कैट का कुछ यार कलर भी हो सकता है तो स्ट्रिंग कलर हो गया ठीक है और uh, इसकी ब्रीड हो सकती है कुछ मुझे कैट की ब्रीड का तो पता नहीं आ जाता ठीक है कुछ कैट की ब्रीड हो सकती है और uh, जब से इसके अंदर कुछ कि इसके लेग्स कितने हैं हर एक कैट के चार लेग्स नहीं होते किसी किसी के तीन भी होते हैं तो लेग्स हो गई आइज़ हो गई कितनी लेग्स हैं कितने आईज़ हैं तो ये कैट की प्रॉपर्टीज़ हो गई ठीक है कैट की प्रॉपर्टीज़ हो गई या फिर स्टेट्स कह सकते हो आप इन्हें उसके बाद आप ये तो आपकी स्टेट्स हो गई जो आपको स्टेट्स का था मैंने उसके बाद आपके कुछ बिहेवियर भी होते हैं तो आप उन बिहेवियर्स को भी डिफाइन कर सकते हो तो बिहेवियर डिफाइन करने के लिए यार आपको फंक्श मैथड्स uh, बनाने पड़ते हैं फंक्शंस भी कहते हैं ना सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर उन्हें मैथड्स कहते हैं बेसिकली तो आप कुछ मैथड्स डिफाइन कर सकते हो तो जैसे आपको ये मेन मैथड बताया था कि मेन मैथड क्या होता है तो अभी मैथड्स और फंक्शंस uh, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे अभी फ़िलहाल आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं तो uh, यहाँ पे आप फंक्शन बना सकते हो लेट्स से पब्लिक वाइड वॉक ठीक है तो वॉक के अंदर मतलब कि ये वॉक कर रही है कैट तो आपको सिंपली प्रिंट कर देते हैं रथ से कैट इज वॉकिंग ठीक है say, cat is walking, और पब्लिक वाइड ईट कैट इज ईटिंग ठीक है तो इसी तरीके से आपकी मल्टीपल प्रॉपर मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं यहाँ पे कै वॉक ईट स्लीप जितने मर्जी आप डाल सकते हो तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट के लिए आपकी क्लास तैयार हो गई है देख रहे हो ये क्लास आपकी कैट क्लास है अब आप इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी और उनके कुछ बिहेवियर होंगे जो आपने यहाँ डिफाइन करते हैं कि वॉक कर रहा है या ईट कर रहा है ठीक है तो अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है उस पर वापस आते हैं तो अब आपको क्लास तो बना लिया आपने अब आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना है कि अब ये तो डमी था ये तो ब्लू था अब इससे एक्चुअल जो मीनिंगफुल चीज़ है वो कैसे बनानी है तो उसका तरीका क्या होता है यार पहले क्लास का नाम लिखते हैं हम उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू न्यू की यूज़ करते हैं न्यू उसके बाद उसी क्लास का नाम ठीक है और पैरेंथिस बाद में ये पैरेंसिस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद ये सेमी कॉलन तो ये भी यार किसी एक वेरिएबल को डिफाइन करने जैसा ही है अभी हमने एक इंट का एरे बनाया था ठीक है हमने एरेस पढ़े थे तो एरेस के अंदर भी हम ऐसे ही करते थे पहले यहाँ लिखते थे इंट उसके बाद यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम फिर बाद में हालांकि वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे उसके बाद न्यू लिखते थे फिर वहाँ भी दोबारा से इंट लिखते थे सेम वैसा ही है यहाँ पर भी तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ जैसे मैंने फ़ोन क्लास है आपकी फ़ोन की कोई क्लास बना लिया आपने कि ये फ़ोन है इसकी कुछ बिहेवियर है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो फ़ोन अब आपने वन प्लस सेवन फ़ोन बनाना है इससे तो वन प्लस सेवन इक्वल्स टू न्यू फोन तो न्यू क्या करता है यार न्यू क्या करता है मेमोरी के अंदर एक स्पेस अलोकेट कर देता है कि ये जो स्पेस होगा ये इस वन प्लस सेवन के लिए होगा और जो मेमोरी के अंदर जो स्पेस है उसका जो एड्रेस होगा उसका एड्रेस वन प्लस सेवन को मिल जाता है ठीक है तो वन प्लस सेवन मतलब इस इस ऑब्जेक्ट के नाम को मिल जाता है तो आपको जब भी उस मेमोरी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है या फिर उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी है उसको एक्सेस करना है तो आपको उस मेमोरी की लोकेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको सब कुछ वन प्लस सेवन इस नाम के अंदर ही मिल जाएगा ठीक है उसके बाद ये आईफोन इलेवन ये भी एक आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो आपको मैंने बताया था फोन आपकी एक क्लास है उसके बाद आप मल्टीपल उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो आपने वन प्लस सेवन बना लिया यहाँ पर आईफोन इलेवन बना लिया ठीक है इक्वल टू न्यू फोन तो ये आपका सेंटेक्स होता है एक नया ऑब्जेक्ट बनाने का तो हम भी वही करने वाला है कैट का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैट लेट्स से कैट वन इक्व टू न्यू कैट ठीक है ख़त्म बस इतना ही था तो कैट कैट वन इक्व टू न्यू कैट इसने क्या किया इस कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया तो अब मैं अगर लिखूंगा कैट वन डॉट वॉक तो अब ये कैट वन यहां पे वॉक कर रही है ठीक है कैट वन डॉट वॉक इसका मतलब क्या है कि जो कैट वन है वो वॉक कर रही है अब आप चाहो तो एक कैट बना लिया आपने अब आप दूसरी कैट बना सकते हो एक कैट कैट टू इक्व टू न्यू कैट ठीक है अब आपने दूसरी कैट बना ली एक अब इस दूसरी कैट को भी वॉक करा दें या इस दूसरी कैट को ईट करा देते हैं कैट टू डॉट ईट तो कैट वन इज़ वॉकिंग एट कैट टू इज़ ईटिंग अगर इसे हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो आप यहाँ पे देखोगे कैट इज़ वॉकिंग एंड कैट इज़ ईटिंग तो ये पहली वाली लाइन के लिए कैट वन डॉट वॉक तो डॉट लगाना है अगर आपको कोई भी फंक्शन उसका एक्सेस करना है तो डॉट लगाना है और उसका बिहेवियर क्या है वॉक है ठीक कैट वन के लिए वॉक हो गया और कैट टू के लिए ईट हो गया तो जैसे मैंने डॉट वॉक लिखा तो ये वाला जो वॉक वाला फंक्शन है इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा तो यहाँ पे लिखा है कैट इज़ वॉकिंग तो यहाँ पे कैट इज वॉकिंग लिखा आ रहा है कैट टू डॉट ईट लिखा तो उसका ईट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है कैट इज़ ईटिंग तो ये तो अगर आपका बिहेवियर इसको बिहेवियर को अगर आपको छेड़ना है बट अगर आपकी आपको किसी प्रॉपर्टीज के साथ कुछ काम करना है तो लेट्स से आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए पब्लिक वाइड डिस्क्रिप्शन कि आपकी कैट एक्चुअली है कैसी ठीक है आपकी कैट कैसी है तो आप लिखोगे कि माई कैट हैज लेग्स तो कितने लेग्स हैं तो यहां पे आ जाएगा ठीक है ये लेग्स ये लेग्स एक्चुअली ये वाला लेग्स आ रहा है कि कितने लेग्स हैं उसके एंड आइज आइज तो ये मैंने क्या क्या यहां पर स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग के अंदर जो प्लस वाला होता है वो कंकेटिनेशन होता है ठीक है प्लस वाला ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है स्ट्रिंग के लिए हमने तो आप ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो यहाँ पे। तो स्ट्रिंग के बीच में आप इंटीजर भी डाल सकते हो ऐसे करके आपको पहले ही बता दिया है तो माई कैट हैज़ इतने लेग्स एंड इतनी आइज़ ठीक है तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको ज़रा हम हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए तो कैट वन डॉट डिस्क्रिप्शन एंड कैट टू डॉट डिस्क्रिप्शन तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखते हैं क्या होता है लिखा है माई कैट हैज़ जीरो लैग्स एंड जीरो आइज माई कैट हैज़ जीरो लैक्स एंड जीरो आइज क्योंकि अभी तक आपने इस कैट की जो वैल्यूज है इस कैट की जो प्रॉपर्टीज है उनको अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है अभी वो बाई डिफॉल्ट जीरो है तो अगर इंटीजर होते हैं तो बाई डिफॉल्ट जीरो होते हैं बुलियन होते हैं तो बाई डिफॉल्ट आपके फॉल्स होते हैं स्ट्रिंग होता है तो बाय डिफॉल्ट तो आपके नल होते हैं है, तो, है। तो हमें इन सबको डिफाइन करना होगा तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं तो लेट्स से कैट वन का हम बोलते हैं कि कैट वन की थ्री लैग्स है और टू आइज है तो हम बोलेंगे कैट वन डॉट लेग्स इक्व टू थ्री ठीक है कैट वन डॉट आईज इक्व टू टू तो इसने क्या किया कैट वन को ढूंढा पहले तो इस लाइन ने क्या किया इस लाइन ने ढूंढा कैट वन को मैंने बताया था कैट वन एक मेमोरी में एक स्पेस बन चुका है तो वो ढूंढेगा कि ये मेमोरी के स्पेस के अंदर कैट वन कहाँ पर स्टोर है वो स्पेस से कैट ढूंढ के लाया उसके बाद डॉट लेग्स कि इस स्पेस में लेग्स कहाँ पर हैं तो वो ढूंढेगा अच्छा यहाँ पर लेग्स हैं तो लेग्स की वैल्यू को मुझे अपडेट करना है लेग्स की वैल्यू को जीरो से थ्री पे करना है तो यहाँ पे ये यह लेग्स हो गए थ्री फिर कैट वन डॉट आइज अभी क्या करेगा उसी कैट वन को दोबारा से ढूंढेगा क्योंकि इसके पास एड्रेस है ठीक है एड्रेस से डायरेक्ट पता है कि हाँ ये मेमरी में इस जगह पर है उसके अंदर जाके उसकी आइज को टू कर देगा अब मैं अगर इनको प्रिंट करूंगा तो यहाँ देख लो लिखा रहा माई कैट हैज थ्री लेग्स एंड टू आइज तो जो कैट वन है उसके थ्री लेग्स हैं एंड टू आइज हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि हाँ इसके इतने लेग्स होंगे इतनी आइज़ होंगे सिमिलरली हम कैट टू के लिए कर सकते हैं कैट टू डॉट लेग्स लेग्स उसके चार लेग्स हैं बट एक ही आइज है ठीक है तो ये दोनों कैट यार काफ़ी पुअर कैट है इनको अडॉप्ट कर लेना जब मिले ओके okay, सो so अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है देख हो कैट टू के लिए लिखा रहा माई कैट हैज फोर लेग्स एंड जीरो आइज अच्छा क्योंकि हमने कैट टू नहीं लिखा यहाँ पर ओके okay. तो माई कैट हैज़ थ्री लैक्स एंड टू आइज़ और दूसरे में लिखा रहा माई कैट हैज़ फोर लैक्स एंड वन आइज ठीक है तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बिहेवियर कैसे आप डिनोट कर सकते हो तो डॉट लगा के आपको उसको बिहेवियर लिखना है वो आपका बिहेवियर रन हो जाएगा और अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ को छेड़ना है तो आप यहाँ पर डॉट लगा के सेम टू सेम आप प्रॉपर्टीज़ के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हो तो इससे क्या होगा आपके जो कैट वाला जो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी मेमोरी के अंदर जाके उस जगह पे आपकी वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगे ठीक है समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मेमोरी से तो यार मेमोरी वाले पार्ट पे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेमोरी वाला पार्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता कि जो कैट क्लास होती है उसके अंदर वैल्यूज़ uh, अपडेट हो रही है तो दूसरी के लिए क्यों नहीं अपडेट हो रही तो क्या होता है ना हर ऑब्जेक्ट के लिए एक एक्चुअल मैमरी अलोकेट होती है ठीक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि आपकी जो कैट क्लास है वो तो बन गई ठीक है अब वो कहीं पड़ी होगी बट जो आपने जो इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना वो एक्चुअल आपकी हीप मेमोरी में रखे होते हैं तो ये आपका कैट है ये दूसरा आपका कैट है ऐसे मल्टीपल तीसरा आपका कैट है इनका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस कुछ होगा इसका एड्रेस कुछ होगा ठीक है इसका एड्रेस कुछ होगा और इसके एड्रेस का रेफरेंस आपको इसके नाम में मिलेगा ठीक है तो इसका नाम कैट वन था इसका नाम कैट टू है अब ये सारे सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी मेमोरी में अलग अलग जहाँ पे स्टोर होंगे कहीं रैंडमली कहीं कहीं स्टोर होंगे ठीक है और उन सबका जो एड्रेस होगा वो आपको इस रेफरेंस में मिल जाएगा ठीक है जो इसका ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा उसके अंदर मिल जाएगा अब अब क्या होगा इस कैट की जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि कलर uh, ये है ब्रीड ये है लेग्स ये हैं आइज़ ये हैं तो लेग के लिए एक अलग स्पेस एलोकेट होगा जितना इंट का स्पेस होता है और स्ट्रिंग अभी फिलहाल न लोगी आपकी तो स्ट्रिंग में आपने लिखा था यहाँ पर ब्रीड uh, और लेग्स uh, हो गई ये आइज हो गई तो इन सब के लिए अलग अलग एक स्पेस सेपरेट हो जाएगा ठीक है और इसके लिए भी लैग्स इसके लिए भी आइज़ इसके लिए भी लैग्स और आइज़ तो ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं सबके लिए अब मैं जब लिखता हूँ कैट वन डॉट लेग्स तो क्या होता है कैट वन को ढूंढा जाता है और उसके लेग्स को अपडेट किया जाता है तो यहाँ हो जाते हैं फोर कैट वन के लेग्स कितने हैं तो कैट वन डॉट लेग्स तो ये थ्री हो जाता है और फिर मैं लिखता हूँ कैट टू डॉट लैग्स तो ये मैं फोर कर देता हूँ तो अब ये यहाँ अपडेट नहीं होता ये यहाँ अपडेट होता है ठीक है मेमोरी में अलग अलग जगह जगहें अलोकेट हो गई हैं तो जब मैं लिखता हूँ कट वन डॉट लैग्स और कैट टू डॉट लैक्स तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कैट क्लास है उसके अंदर मैं अपडेट कर रहा हूँ नहीं कैट क्लास तो सिर्फ एक डमी चीज़ है ठीक है वो एक्चुअली मेमरी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है मेमरी में ये अलग अलग एग्जिस्ट कर रही हैं तो जब मैं कैट वन के अंदर छेड़ रहा हूँ तो कैट टू को कुछ फर्क नहीं पड़ता वो इंडिपेंडेंट है कैट वन से ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि मेमोरी में कैसे ये ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं आपके और क्लास स्टोर नहीं होती मेमोरी के अंदर तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स थे और ये क्लासेस थी और डॉग uh, क्लास के साथ भी कुछ कर लेते हैं यार तो डॉग क्लास के अंदर लेट्स से इसकी ब्रीड रख देते हैं कुछ और इसका कुछ नेम रख देते हैं और इसके कुछ बिहेवियर रख देते हैं तो लेट्स से जंप तो यहाँ पब्लिक क्यों लिख रहा हूँ फिर वॉइड क्यों लिख रहा हूँ इसका मतलब हम बाद में देखेंगे जब हम फंक्शंस uh, पढ़ेंगे और एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी फिलहाल जस्ट टू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट ठीक है ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स कैसे होती हैं एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं पे हम डॉग का तो डॉग लेट्स से जंप कर रहा है। तो uh, यहां पे लिख सकते हैं हम सिउट माय डॉग Name, yeah. so dog, नेम नेम्प्ट ठीक uh, 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 है? है तो माई डॉग उसके बाद जो नेम होगा उसका वो जंप्ट और लेट्स से डिस्क्रिप्शन कि इस डॉग का क्या डिस्क्रिप्शन है इस डॉग का क्या डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन अगर आपको इस डॉग का लेना है तो आपको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा इसे कि My dog name is name and its breed is breed. ठीक है तो ये लंबी लाइन हो गई थोड़ी तो बस मैंने वही लिखा है कि माई डॉग्स नेम इज नेम जो हम नेम बताएंगे इस डॉग का नेम क्या है और इसकी ब्रीड क्या है तो जैसे एक कैट्स यहाँ पे बनाई थी हम यहाँ पे इनका डॉग्स बना लेते हैं तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ कमेंट के लिए कमांड स्पेस कमांड स्लैश होता है की वर्ड ओके सो हम डॉग्स बनाते हैं तो डॉग लेट्स से ये हस्की है ठीक है तो न्यू uh, डॉग और दूसरा डॉग बनाते हैं लेट्स से कौन सा बनाए इसको पूडल तो ये डॉग्स हो गए आपके दो अलग अलग डॉग्स हैं आप मल्टीपल बना सकते हो तीन चार जितने मर्जी बना सकते हो और हम इनको डिफ़ाइन कर देते हैं कि हस्की की जो ब्रीड है वो होगी हस्की ये थोड़ा तो नाम अच्छा हो सकता था और इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा आ, से ब्राउनी और जो पूडल की जो ब्रीड होगी हो जाएगी पूडल और उसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या रखें मिस्टर मूलचंद जी ओके तो यहाँ पर दो डॉग्स हो चुके हैं अब हम इनका इनको जंप करा सकते हैं इनका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर वही है जंप और डिस्क्रिप्शन इसके अलावा इनका कोई बिहेवियर नहीं हम चाहें तो इनके अंदर मल्टीपल बिहेवियर्स ऐड कर सकते हैं तो ऐसे यार जो आपकी क्लासेज होती हैं उनके अंदर कुछ बिहेवियर होते हैं और उनका कुछ स्टेट्स uh, होती हैं तो हम क्लासेस के अंदर आगे मूव करेंगे आप हम देखोगे प्रोग्रामिंग के अंदर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्लासेज होती हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उनका क्या बिहेवियर होता है तो यहाँ पे फिलहाल हम डमी क्लासेस बना रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बता था कि जो जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है तो यहाँ पे वही रियल वर्ल्ड का एक्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि आपके जो डॉग्स होते हैं कैट्स होते हैं बट सिर्फ यही नहीं होता रियल वर्ल्ड का मतलब आपके प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी सारे कन्सेप्ट होते हैं जो काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाते हैं जब आप उनको रियल वर्ल्ड की हेल्प से समझते हो तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाई गई है वरना फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो थी ही सी लैंग्वेज के अंदर ओके सो नाउ वी कैन हस्की डॉट जंप तो हस्की जंप कर जाएगा हस्की डॉट डिस्क्रिप्शन तो हस्की का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पे एंड देन पूडल विल जंप एंड देन पूडल का डिस्क्रिप्शन ठीक है तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं ऊपर की लाइंस कमेंट हो चुकी हैं तो सिर्फ डॉग क्लास चलेगी तो यहाँ लिखा है माई डैग माई डॉग ब्राउनी जम्प ठीक है तो यहाँ पे पहली वाली फंक्शन कॉल हुई पहले जंप वाली यहाँ लिखा था माई डॉग्स माई डॉग नेम जंप्ड तो नेम हमने डिफाइन किया था कि इसका नेम जो होगा वो ब्राउनी होगा तो माई डॉग ब्राउनी जंप्ट और फिर उसके बाद लिखा है डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो so डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ आ जाएगा अच्छा ये क्लिक कैसे कर रहा हूँ मैं तो so कमांड पे क्लिक करके कमांड uh, प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके विंडोज के अंदर यू जस्ट हवर ओवर दिस एंड क्लिक आप उस फंक्शन पे जंप कर जाओगे डायरेक्ट तो जंप पे जंप कर गए आप हम्म तो माई डॉग नेम जम्प्ट उसके बाद आ, दूसरा लिखा है डिस्क्रिप्शन तो माई डॉग्स नेम इज़ ब्राउनी एंड इट्स ब्रीड इज़ हस्की तो हमने यहाँ डिफाइन किया कि इनका नेम ये है और इसकी ब्रीड ये है तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है सिम्पली इसी तरीके से पूडल के साथ भी वही सिम्पली पूडल डॉट जम्प एंड पोडल डॉट डिस्क्रिप्शन तो माई डॉग्स नेम इज़ मिस्टर मूलचंद जी एंड इट्स ब्रीड इज़ पूडल समझ में आ गया होगा तो ये आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं और सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं ये आपके बिहेवियर होते हैं और कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आएंगे आपके पब्लिक स्टैटिक और प्राइवेट ये सारे कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और क्यों लिखा जाता है इनको मतलब अभी तक तो बस रट लिया कि हाँ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखते हैं ठीक है आपके क्लासेस के अंदर आपका ये फंक्शन लगा दिया आपने उसके बाद क्लासेस नॉर्मली ऐसे बना दी तो अभी इनके आगे और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट आएंगे आपके कंस्ट्रक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आने वाले हैं अभी ठीक है तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे ऊपस के अंदर और इंटरव्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इंटरव्यूअर जब ऊपस के अंदर कुछ पूछता है तो वो क्या चीज़ आपसे पूछना चाहता है तो उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ठीक है तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बात करने वाले ऊपस के अंदर और भी चीज़ों के बारे में ठीक है तो तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करते रहिए और एरेज uh, uh, और स्ट्रिंग्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना ठीक है लास्ट वीडियो में बता देता है कि कहाँ कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करना है हाउ टू प्रैक्टिस लाइक अ प्रो सो वहाँ से प्रैक्टिस करना है ठीक है तो तब तक के लिए चलते हैं यार सी हैव अ गुड डे बाय